बेटा बेटा क्या हुआ दादाजी? बेटा मेरे पास बहुत कम समय बचा है। क्या कम समय? पर दादाजी अभी तो 11 बजे हैं, आपके पास तो पूरा रात भर का समय है। साला यहाँ मेरा ध्यान से पूरा निकल रहा है, तुझे मजाक सोच रहा है। अच्छा अच्छा दादाजी बोलो क्या हुआ? ये ले हमारे पूर्वजों का सारा कमाई है इसमें, इसे जाके ढूंढ ले और अपना लाइफ बेहतर कर ले। साला बुड्ढे मरते मरते खाली पेपर पकड़ा गया। साले के कांडा पेपर सीधा कर। ओ यस, मैं करोड़पति बन गया। अरे एक मिनट, ये सारा पेपर आधा क्यों है? दादाजी से एक काम सही से नहीं होता है। सारे नल्ले बेरोजगार भिखारी, दोनों पेपर मेरे पास होता तो मैं खुद ना खा लेता, तुझे झाड़ देता। हाँ घुसट फिर से उठ के मारेगा, सबसे पहले यहाँ से निकलता। हेलो। हाँ कहाँ है विवेक? कहीं नहीं यार। अरे यार जल्दी आ, बहुत जरूरी काम है। हेलो। हाँ पंकज कहाँ है तू? जल्दी आ, बहुत बड़ा चीज हाथ में लगा है। हाँ तो तू अपनी गाड़ में डाल ले। अबे भोसड़ी के मजाक मत कर, जल्दी से आ और मनीष को भी अपने साथ में लाना। ये साले चूतिए कहाँ रह गए, एक काम नहीं होता इनसे टाइम। साले झाठुओ, हीरो की तरह आए हो, किसी के मैयत में आए हो क्या? क्या मैयत? अच्छा अच्छा, क्या जरूरी काम था बता। पहले तुम लोग ये देखो, तेरा मतलब इस जगह पे करोड़ों का खजाना छिपा हुआ है, और हम तेरी इस बात पे विश्वास कर ले। क्यों क्या हुआ? अभी एक झापड़ में गान चाहता फिरेगा, हमेशा ऐसा मजाक मत कर। सही बोल रहा है पंकज, ये तो साला किसी नर्सरी क्लास का बच्चे का ड्राइंग है। साला हम अपना भतीजे का डायपर बदलने की जगह गांडू के पास आ गए, मैं चला। अरे अरे रुको रुको, ये बात सच है, विश्वास करो मेरा। अच्छा ठीक है, तेरा मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मैं 30% लूंगा। मैं 20%, और मैं साला पूरे 50% लूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो क्या मैं यहाँ पे ढोल बजाने आया हूँ भोसड़ी के? हाँ तो तू खुद ढूंढ ले। चल ठीक है। अबे वे कर दी, बताएगा जाना कहाँ है साला, तभी तो चलाया जा रहा है हम लोग को। तेरी बहन का सारे ना जाए औलाद, ये तेरे बाप की संपत्ति नहीं, मेरे पूर्वजों की कमाई, अब चल शांति से। रुको बे, साले कुत्तर में कुछ घुस गया का? अबे सालो अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये देख
पूरा नक्शा मिल गया, पूरा नक्शा। अब मैं पूरी 40% लूंगा। भोसड़ी के मंदिर बना कि नहीं? भिखारी पहले आ गए। अब हमको तुम्हारे बात पे पूरा भरोसा हो गया। उस पैसे से मैं पहले दारू पीऊंगा। अच्छा, रशियन लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मजे ही मजे। अबे सूखे हुए पेड़ के पपीते, सपना देखना हो गया तुम लोगों का? तो चलो। एक बार खजाना हाथ आने दो, फिर सबके गांड में लात दे के भगाऊंगा। और कितनी दूर जाना है काशी? बस थोड़ी दूर। साले भोसड़ी के तभी तू यही बोल रहा, थोड़ी दूर थोड़ी दूर। कब पहुंचेगा हम लोग थोड़ी दूर? भोसड़ी के चुप बैठ, ये तो मारेंगे थाप, बोलेगा बाप। अब चल। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग को पता नहीं ये जगह कितना खतरनाक है? कितना खतरनाक है? इतना कि कोई तेरा मार के चला जाए तुझे पता भी ना चले। भाई साहब क्या हुआ था यहाँ? हमारे दादा परदादा कह गए थे कि यहाँ राजा महाराजा का राज था, और यहाँ ऐसा घटना हुआ कि क्या हुआ? बीच में ना बोल। हाँ तो मैं बोल रहा था, यहाँ कुछ ऐसी घटना हुई, पूरा महल इस पहाड़ में समा गया। पूरा महल? बोला ना बीच में मत बोल। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आता। उसके बाद फिर एक बाबा आया, वो बोला कि राजा का एक वंश आएगा। मुझे लगता है कि वो तुम लोग ही हो। पर वो कहा राजा और तुम लोग कहा आठो जाठो। जाठो किसको बोला बे? तुझे। तेरी तो ये जस्ट चल चल हम लोग भी आगे बढ़। फिर से कुछ घुस गया क्या? यही जगह है। अरे भाई खोदना कहाँ है, जल्दी बोल। मैं तो पेड़ के नीचे बता रहा, पर साला इतने सारे पेड़ में कौन सा पेड़ है? भाई हमको तो लग रहा तुमको कोई चूतिया बना है। हो सकता है कि इसका वंशज छिनार हो। अबे तुम दोनों अपना मुंह बंद करो बैंचो। मिल गया आखिरकार। पंकज तू जाके वहां पे खड़ा हो गया। अब बोल। अब 3 बार घूम और कुत्ते की आवाज निकाल। भौंक। मैं नहीं करूंगा। पर आदमी बनना है कि नहीं तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। ये जस्ट गेट आउट आउट। पंकज यहाँ पे खोद। खोदो 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 खोदो। अबे साले क्या बोल रहा है ये? खोदो 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 खोदो। अरे मिल गया ये क्या चीज़ है? आपका राजा छिनार। क्या?
किसको किसको कितना कितना प्रतिशत चाहिए? मुझे 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 ये लो बांट लो तीनों। ले मनीष तू खजाना पकड़ ले भाई तू पकड़।